रायपुर के बीडी नगर स्थित आदिम जाति कल्याण बोर्ड के पोस्ट मैट्रिक ट्राइबल बॉयज हॉस्टल में रैगिंग की सूचना पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सच्चाई जानने पहुंची अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने वार्डन रसोईया समेत अन्य स्टाफ से पूछताछ करके जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित के लिए पत्र भी लिखा उसके निलंबन के लिए। और बता दें कि कल शाम की घटना के बाद से दूसरे दिन तीनों छात्रों में से एक ने रैगिंग होने की बात से वो मुकर गया। किसी के दबाव की वजह से छात्र स्पष्ट बयान देने से बचता नजर आया। सब भाईचारे साथ रहते हैं हॉस्टल में, सब किसी एक को प्रॉब्लम होता है तो सभी एक साथ आ जाते हैं। चोट एक को लगती है, दर्द सभी को होता है ऐसे टाइप से। मेरे को भी अभी तबीयत खराब था, मेरा खुद आवाज से पता चल रहा है। अभी रात रात को मेरा बैचमेट सभी आते थे पूछने हालचाल। कल की जो एक सूचना मिली थी कि छात्रावास में बच्चों के साथ रैगिंग होती है करके, इस संदर्भ में कल हम छात्रावास में गए थे, जिला प्रशासन के अधिकारी भी थे, वहाँ पर सभी छात्रों से बातचीत हुई। सभी छात्रों ने स्पष्ट तौर पर इनकार किया है कि यहाँ रैगिंग जैसी कोई घटना नहीं होती है। इंदौर की तेजा